तो हाय गाइस, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ नया सेटअप किया है मैंने, जैसा आप देख पा रहे हो। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना है प्लीज़। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है ये सेटअप। हाय गाइस, दिस वी वेलकम टू माय चैनल बेसनो क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, यू हैव नेवर डन दिस। आपने कभी किया ही नहीं होगा, मुझे 100% पता है, और बहुत जन इसको मिस कर देते हैं। तो हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं आज। आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ चीजें जो हमेशा हम लोग मिस करते हैं, तो उस बारे में बात कर लेंगे। पहला टॉपिक, जैसा आपको पता है हमेशा मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, जो पहला टॉपिक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो शेड्यूल के बारे में। तो वीडियो शेड्यूल तो हम लोग कभी करते ही नहीं थे। मुझे अगर 9:30 बजे अपलोड करना पड़ता था तो मैं सुबह उठ के 9:30 बजे अपलोड करता था। एट दैट टाइम मुझे ये सब फीचर के बारे में पता ही नहीं था कि हाँ शेड्यूल कर सकते हैं हम लोग के वीडियो की। आज से 10 दिन बाद भी डालना है तो भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर 4-5 वीडियो रेडी है तो आप लोग 4-5 दिनों के लिए सेटअप करके रख सकते हो। ये बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है। अगर आपको यूजफुल लगा गाइस तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है कि मैंने कुछ आपको टिप दिया जो आपके काम आया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया गाइस? अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे बार बार। क्या आप लोगों ने हमेशा आपका कमेंट पिन किया है? लाइक क्या हो जाता है, एक जन वीडियो देख रहा है, राइट, एक व्यूअर आपका वीडियो देख रहा है, तो अचानक में उसने सोचा कि मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट जैसे ही करने गया उसको हम लोगों का पिन कमेंट दिख जाएगा, वहां पर आपका चैनल का लिंक या आपका वीडियो का लिंक वहां पर भी डाल देता कि वहां से भी एक्सेस मिले, सब्सक्राइब भी कर लेगा शायद वो। मैंने लिखा है, आपको दिखा देता हूं, मैं यहां पर लिखा है ऑलरेडी मैंने। ये बहुत जरूरी है गाइज, आपको पिन करना चाहिए आपके कमेंट, लेकिन अच्छे कमेंट को पिन करो, ये बहुत जरूरी है। तो वहां से भी आप लोग एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, व्यूज ला सकते हो, सब्सक्राइबर्स ला सकते हो, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर ले, यहाँ पर इसका हैंडल और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, प्लीज जाके फॉलो करें। वहां पर हम लोग हो सकते हैं कनेक्टेड हमेशा। अब आ जाता है मेरे पास एक बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कि हाउ ऑफन यू शुड पोस्ट, आपको वीडियो कब कब डालना है। ये बहुत जन का कमेंट आया गाइस, बहुत जन का कमेंट आया कि मैं 1 महीने में 1 वीडियो डाल सकता हूँ, 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाल सकता हूँ, क्या 20 दिन में 1 वीडियो डाल सकता हूँ, हर दिन 1 वीडियो डाल सकता हूँ। द थिंग इज लाइक गाइस, मेरे साइड से हमेशा मैं बोलूंगा हर दिन वीडियो डालो। अगर आप नए हो तो आपको हर दिन वीडियो डालना चाहिए, हर ऑल्टरनेट डेज वीडियो डालना चाहिए। आप जब एक छोटे क्रिएटर होते हो, एक तो आपको कोई पहचानता नहीं, आपके वीडियोस को जानता नहीं, आपके अंदर के टैलेंट को जानता नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेली वीडियोस डालो। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा डेली वीडियोस डालो, शायद उसमें से एक लग जाए, आपका जैकपॉट बन जाए वो वीडियो, और वो अचानक में रैंक कर जाए और सब सब्सक्राइबर्स एंड सब लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई ये ऐसा वीडियो बनाता है, और वो पूरा लिस्ट देख ले आने के बाद। इसके बारे में आप लोग सोचो, जो नया अगर क्रिएटर है, यू हैव टू पोस्ट डेली, उसमें आप लोगों का रीच बढ़ेगा। एंड आप लोगों को मेन चीज क्या है, आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। आप लोगों की जरूरत है क्या है, प्रैक्टिस। कैमरा के सामने आके बात करो, खुल के बात करो, जितना हो सके एकदम जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम खुल के बात करो, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज भी जल्दी लाऊंगा कि हाउ टू शूट योरसेल्फ, कि कैसे बात करना है कैमरा के साथ, ये भी बताऊंगा मैं उसमें। ये बहुत जरूरी है गाइस, इसके ऊपर ध्यान रखो। तो मेन चीज तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें बहुत सारे फायदा होते हैं। यहाँ पर आप एडिटिंग स्किल्स अच्छा हो जाता है आपका, उसके बाद आपका शूटिंग स्किल्स अच्छा हो जाता है, फिर आपको बात करने का स्किल्स अच्छा हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें है जो अच्छी हो जाती है गाइस। इसके लिए YouTube खुद बोलता है आप पहले वीडियोस डालो, कंसिस्टेंसी करो, आपका कंटेंट अच्छा हो गया, आपको 100% सब्सक्राइबर्स मिलेंगे एंड व्यूज भी मिलेगा गाइस 100%। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। क्या आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं? अगर नहीं देखा है तो हमेशा जैसा लिंक ऊपर है गाइस, जल्दी जाके पुराने वीडियोस देख ले। तो ये टॉपिक भी लास्ट टॉपिक से बहुत कनेक्टेड है। मैंने बोला था लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ ऑफन यू शुड पोस्ट, कब कब आपको वीडियो डालना चाहिए। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी कुछ कुछ वैसा ही है, वीडियो का लेंथ कितना होना चाहिए। वीडियो का लेंथ कितना होना चाहिए गाइस, आप हो नए क्रिएटर, राइट, तो अचानक में आपने पोस्ट कर दिया 15-20 मिनट का वीडियो। अगर 15 मिनट का वीडियो डालना है आपको तो YouTube के ऊपर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एट दैट टाइम, उसके बाद आप 15 मिनट का वीडियो डाल सकते हो। ये तो खैर अलग सी बात है, 15 मिनट का वीडियो डाल देगा आपके ऊपर इतना बड़ा 0 का एक टैग लगा रहेगा सब्सक्राइबर पे, 0 व्यूज रहेंगे, तो कोई देखना नहीं चाहेगा आपका 15 मिनट का वीडियो गाइस। ये मेंटालिटी है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, ये मेंटालिटी होता है। सेकेंड थिंग, वो 15 मिनट के वीडियो पे आपको 30% ऑडियंस
ऑडियंस रिटेंशन चाहिए, वो आपने सोचा है? उस पे आपको 30% ऑडियंस रिटेंशन भी चाहिए, ये आपने सोचा है? 15 मिनट्स का वीडियो पे 30% ऑडियंस रिटेंशन बहुत मुश्किल है गाइस। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो पे भी बोला था कि 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बनाओ, लेकिन उसमें एक दो जन ने मेरे को कमेंट करके भी बहुत कुछ बताया था कि नहीं 6 मिनट का बनाएंगे, तो ऐसा कैलकुलेशन बताया था मेरे को। तो मैंने आप लोगों के अच्छे के लिए बोला था, आप लोग अगर वो भाई देख रहे हो अगर 6 मिनट वाले, तो प्लीज कमेंट करें। आपको सिंपल आपका रखना है ऑडियंस रिटेंशन 30%, ये बहुत जरूरी है। ये अगर रहेगा तो YouTube आपके वीडियो को प्रमोट करेगा, वो सबको बताएगा। 18% हो गया तो उधर ही डाउन वीडियो, कोई मतलब नहीं। तो आप लोग 10 मिनट बनाओ 15 मिनट बनाओ कोई मतलब नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोग छोटे वीडियोस बनाओ, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे से एडिट करो, एकदम मस्त इंट्रो शॉर्ट रखो, बस आपका काम हो गया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये छोटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वे ड्रिल। तो एज ऑलवेज थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे गाइस। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।